नहीं नहीं चलेगा, मैसूर पुलिस, मैसूर पुलिस को भी लेके आ कैमरा जो भी है। जाने जाए छे तुम लोग की आगे किधर आ गए? अरे मैं जा रहा आगे। अरे मैं जा रहा भाई। मैडम आज कोर्ट में क्या कुछ दलील है? सुकर जे विसल दिया रुकना भाई स्टार्ट। एक आगे तू पकड़ दिया गड़ा दोनों ये जो जान दो कल सेशंस कोर्ट ने ये कोर्ट की ऑर्डर सेट असाइड की थी, जुडिशियल कस्टडी से अब पुलिस कस्टडी देने के लिए बोला है। तो आज आदिल खान दुरानी को आर्थर रोड जेल से वापस लाया जाएगा, रिमांड में पेश किया जाएगा और आगे फिर कोर्ट क्या करते वो अभी हमें पता नहीं है। आपकी तरफ से कुछ आज प्रूफ या फिर कोई सबूत पेश? हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रूफ दे चुके हैं। हम खाली कोर्ट में यही रिक्वेस्ट करेंगे और सरकारी वकील भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको पुलिस कस्टडी ज़्यादा से ज़्यादा दिन दी जाए। आज आज मैसूर पुलिस का क्या रोल रहने वाला है? वो यहीं पे खड़े हैं मैसूर पुलिस। मैसूर पुलिस एप्लीकेशन करेगी क्योंकि उनको भी उसकी कस्टडी चाहिए। अब वो कोर्ट पर मैसूर पुलिस यहाँ पे एक हफ्ते से हैं। हाँ, कोर्ट पे डिपेंड करता है कि किसे कस्टडी देते हैं। अब कोर्ट पे डिपेंड करता है, जैसे फाल्गुनी ने कहा कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन या मैसूर पुलिस, अभी देखते हैं क्या होता है। मैसूर पुलिस का कुछ बयान? वो वहाँ वो को खड़े हैं उधर, वो आ नहीं रहे, नहीं आ रहे वो। अभी आपको सब पता चल जाएगा, सब पता चलेगा। अभी भाई मैं भी तो अभी कोर्ट में आई हूँ। एक्सटॉर्शन का कुछ आज कुछ बयान आज होने वाला? कोई नया केस नहीं, हम कोर्ट में बोलेंगे, अभी कुछ बोल के मतलब नहीं है। जो भी केस है हमारी FIR है, फर्दर स्टेटमेंट में वही हमारे और केस वो, है। जज ने छुट्टी मारी है ना? वकील की तरफ से ये सारे बयान आए थे कि धमकी वाले कॉल जा रहे, धमकी दी जा रही है, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं जोर से हंसी आ रही है मुझे, मैं भी एक वकील हूँ। अगर उनके वकील ये कह रहे हैं तो केस जीतने का ये तरीका नहीं है। आप लीगली जाओ और अच्छी तरीके से प्रिंसिपली काम करो। मॉरल और प्रोफेशनल एथिक्स कुछ होते हैं। अगर आपके हाथ से बाजी निकल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो। धमकी देने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है और क्यों देंगे धमकी जब हमें कोर्ट से जस्टिस मिल रहा है, कोर्ट में हम मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट से हमें सारी चीज़ें, हम लीगली जा रहे हैं, तो हमें इल्लीगल काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब पैतरे हैं ना, हारने वालों के होते, जीतने वाले कोर्ट में जवाब देते हैं। कोर्ट में जवाब, बिल्कुल मेरे एडवोकेट ने कहा। नहीं नहीं ये सब चीज़ें हम लोग बात नहीं, जो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकते वो ओशिवारा पुलिस, मेरी एडवोकेट अशोक सरोगी जी और कोर्ट काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आ रही है इनके एडवोकेट पे आदिल के, कैसे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे। क्या आपको लगता है ये हारने के वजह से लग रही है? एक बात बोलूँ उनकी तरफ से जो आता है, जो उनको स्टेटमेंट देने हैं देने दीजिए, हमें उसका जवाब नहीं। उनके पास कायदा है और आदिल तो जेल में है, तो किसे धमकी दी? उनके वकील को दी क्या? और उनके वकील तो उनको उनकी मॉम को, ठीक है इतने दिन नहीं दी धमकी, आज उनकी मॉम को धमकी जा रही है। मेरा तो मैं फ़ोन करती हूँ उनके मम्मी डैडी फ़ोन ही नहीं उठाते, काट देते, बात नहीं करना चाहते। मैं एक बार मुझसे बात तो करें कि वो कहे तो सही कि आपका बेटा 7-8 दिन से जेल में, आप लोग मिलने भी नहीं आए हो उनको। दूसरी बात, राखी को अगर धमकी देनी होती या दिलवानी होती ना, तो आज कोर्ट के धक्के जो खा रही है, पुलिस स्टेशन और कोर्ट के धक्के खा रही है ना, वो नहीं खाती। और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम यही सब करते रहे। मैम आज आठवले साहब से प्रोटेस्ट भी होने वाला, वो मुझे वो मैं बाद में बात करती हूं। राखी एक लास्ट में, आज आदिल बहुत पटना भाई अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं।